बड़ी खबर सागर से, भार्गव का वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री गोपाल भार्गव का वीडियो वायरल हुआ है गढ़ा कोटा विधानसभा के अस्पताल का। उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गायब मिला अस्पताल का स्टाफ। वीडियो में आवाज लगाकर स्टाफ को बुला रहे हैं भार्गव। अस्पताल से डॉक्टर, नर्स और चौकीदार तक गायब मिले। अब इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस अस्पताल में सेहत की क्या कोई व्यवस्था है, क्या कोई बीमार के तीमारदारी के लिए वहां पर मौजूद है, क्या ये अस्पताल केवल बिल्डिंग तक ही बनकर रह गया है। गोपाल भार्गव को आवाज लगाना पड़ा और अस्पताल का चपरासी तक, अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, चौकीदार सभी गायब। तो सागर की बड़ी खबर, अस्पताल में कोई है कि आवाज लगा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान गायब मिला अस्पताल का स्टाफ। तो मंत्री गोपाल भार्गव का ये वीडियो वायरल हो रहा है जो अस्पताल की सच्चाई बता रहा है। सुधीर हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, कोरोना काल में जहां पर अस्पतालों में संख्या कम पड़ रही है रखने के लिए, ऐसे में एक अस्पताल ऐसा भी है जहां केवल बिल्डिंग ही है और सारा कुछ नदारद है। मंत्री जी आवाज लगाते रह गए, क्या ये पोल खोलता वीडियो है? देखिए, निश्चित तौर पर कहना कि प्रदेश के अंदर बदहाल अस्पतालों की जो तस्वीर है उसकी कलई जो है खुद प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव ने खोली, और प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक, सबसे सीनियर मंत्री जो है अपने क्षेत्र की बदहाली की तस्वीर जो है उसकी गुहार सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है कि किस तरीके से गोपाल भार्गव कल देर रात जब गढ़ा कोटा पहुंचे थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां पर उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। और आश्चर्य की बात जो थी ये है कि वहां पर डॉक्टर, नर्स तो दरार थे ही, मतलब चौकीदार तक नहीं मिला। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। और ऐसे में अगर दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में जो स्वास्थ्य सेवाएं उसकी बदहाली का अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भगवान भरोसे चल रही है। गोपाल भार्गव ने इस पूरे मामले की शिकायत जो है मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने पूरे मामले पर भरोसा जताया है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि अकेले सरकारी व्यवस्थाओं के भरोसे नहीं रहा जा सकता, लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। पर लेकिन अंदाजा उनके इस वीडियो से साफ नजर आता है कि किस तरीके से पूरे अस्पताल में घूमते हुए ना केवल वो चिल्ला चिल्ला कर स्टाफ को बुला रहे हैं, और डॉक्टर, नर्स तो दूर की बात, अगर चौकीदार भी नहीं आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है? क्या ये अस्पताल की बिल्डिंग नहीं है? क्या यहाँ पर मरीज नहीं आते? क्या है ये? देखिए, बिल्कुल मंत्री गोपाल भार्गव खुद जुड़ रहे हैं। सुधीर, आपको मैं रोकना चाहूंगी। गोपाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और ऐसा वीडियो जो वायरल हो रहा है, क्या है सच्चाई, आप बताएं हमें। सच्चाई कुछ नहीं है। कुछ समय शिकायत मिल रही थी कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो रात को मैं देखने गया था। जैसा कि हर जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए, बिल्कुल, प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का पालक होता है, रखवाला होता है, और इसी दृष्टि से मैं गया जी। और मैंने इसी कारण से उसको सार्वजनिक किया कि ऐसे कर्मचारी जो लापरवाह हैं, गैर जिम्मेवार हैं, उनके लिए कुछ शिक्षा मिले। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं स्वयं भी इस बात को देखकर सरकार के, सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड हमें नहीं रहना चाहिए। सरकार का इतना व्यापक सिस्टम नहीं होता कि गांव गांव में जाके वो आधी रात के या दिन में हर चीज को चेक करें। तो ये हम जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है कि हम लोग भी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, देखें, और बाद में अधिकारियों को हमारे। लेकिन गोपाल भार्गव जी, ये आपने सही कहा कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने जगह के अस्पतालों पर देखें, जाके नजर डालें। बहुत अच्छा काम आपने किया, लेकिन सरकारी अस्पताल के भरोसे, यहाँ के इलाज के भरोसे गाँव के गरीब, मजदूर और वहाँ की जनता निर्भर रहती है। अगर वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है तो इसका सीधा सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? नहीं हुआ तो दंडित करेंगे। पहले भी किया है, दो बार हम सस्पेंड करवा चुके पूरे स्टाफ को, फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो खौफ नहीं है? ये हमारी हमारी सरकार है। दंडित क्या, दंड के आधार पर ही डॉक्टर में, अस्पताल में नर्स सब काम करेंगी? क्या उनकी स्वस्फूर्त कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, जिम्मेदारी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मानवीय सेवा है, बहुत ही ज्यादा ये
लोगों की मदद की सेवा है और इसके लिए प्राथमिकता से लेना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ डॉक्टर जो है भगवान का स्वरूप होते हैं, या उनके जो स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो एक प्रकार से भगवान का स्वरूप होता है। हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया है, अभी भी हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जो डॉक्टर ने, और इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी। लेकिन कभी जब कहीं शिकायत आती है रिमोट एरिया में, गांव में, देहात में, तो जनप्रतिनिधियों के लिए बगैर किसी भेदभाव के इस गोपाल जी, इस औचक निरीक्षण से आपको लगता है कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधरेगी? सुधरेगी तो नहीं, सुधरेगी निश्चित रूप से, सुधरेगी क्यों नहीं सुधरेगी भाई, निरीक्षण कितने। चलिए हम ये समझे कि आपके औचक निरीक्षण के बाद जैसा कि आपने कहा कि व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन यहाँ पर सवाल मैं आपसे एक बार फिर से वही करूंगी कि डॉक्टर, नर्स और चौकीदार जो यहाँ से लापता थे उन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि ये मैसेज दूसरे अस्पतालों पर भी जरूर जाए। मैं तो कह रहा हूँ सभी अस्पतालों का निरीक्षण करें, नहीं प्रतिनिधि क्या धारा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने औचक निरीक्षण किया और आपके माध्यम से अस्पताल की तस्वीर कम से कम थोड़ी तो बदलेगी, कम से कम गरीबों को इलाज तो मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे संवाददाता सुधीर भी बने हुए थे। सुधीर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।